हेलो फ्रेंड्स, किडनी स्टोन को लेकर हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। उनका हम लोग किडनी में अगर स्टोन होता है और बड़ा स्टोन होता है मोर देन 2 सेंटीमीटर का, तो हम लोग PCNL ऑपरेशन करते हैं, मतलब परक्यूटेनियस नेफ्रोलेथोटोमी। इसके अंदर हम पेशेंट का जो बैक साइड होता है वहां से एक छेद करते हैं किडनी के अंदर और किडनी में जाके स्टोन को तोड़ करके बाहर निकालते हैं। तो ऐसे पेशेंट के कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि हमें कब डिस्चार्ज करेंगे, ऑपरेशन के बाद हमें क्या सावधानियां लेनी है, ऑपरेशन के बाद में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है और क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम हो जिससे कि हम इमीडिएटली डॉक्टर से संपर्क करें, आज उसी के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार विजय, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंडोलॉजिस्ट इन कोलकाता। ये हमारे कलीग है, मेरे डॉक्टर असिस्टेंट है डॉक्टर छवि भक्त, और ये सब हमारे OT के असिस्टेंट है। चलिए बताते हैं आपको, PCNL ऑपरेशन को जब हम पीछे से छेद करके करते हैं तो किडनी में एक छेद करते हैं, किडनी को थोड़ा इंजरी करते हैं, तो ऑपरेशन के बाद में आपको पेशाब के रास्ते में ब्लीडिंग हो सकता है। ये ब्लीडिंग यूजुअली 1 से 2 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। जैसे ही ब्लीडिंग ठीक हो जाता है तो हम पेशेंट का जो पेशाब का कैथेटर लगाया हुआ है, फोलिस कैथेटर लगा हुआ है, उसे निकालकर डिस्चार्ज कर देते हैं। यूजुअली हम लोग नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं, पर कुछ एक पेशेंट को 2 दिन बाद भी डिस्चार्ज करते हैं। ये दो ही बात डिस्चार्ज की। डिस्चार्ज करने के बाद में पेशेंट को एटलीस्ट 1 से 2 सप्ताह तक कंप्लीट बेड रेस्ट करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, उसे ऑफिस ज्वाइन नहीं करना चाहिए, और उसको कुछ सावधानियां बरतनी होती है, जैसे कि उसको भारी वजन नहीं उठाना है, किसी तरह की पीठ के अंदर या किडनी की जगह पे चोट नहीं लगनी चाहिए, किसी भी तरह का साइकिलिंग नहीं करना चाहिए, कोई भारी वर्क नहीं करना चाहिए और ऑफिस नहीं जाना चाहिए। मैक्सिमम टाइम के अंदर आपको रेस्ट ही करना अच्छा रहता है, एटलीस्ट 2 सप्ताह के लिए। 2 सप्ताह के बाद में आप ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी आप बहुत देर तक खड़े रहने का काम नहीं करें, रेस्ट करने का काम करें, ज्यादा आप लॉन्ग स्टैंडिंग वर्क नहीं करें, और 1 महीने बाद में तो आप सब कुछ नॉर्मली कर सकते हैं। अब जब PCNL ऑपरेशन करते हैं तो जहां से एक छेद किया है वहां पे एक स्टिच करते हैं, उसको आप यूजुअली अपने घर पर ही किसी के द्वारा 7 दिन के बाद या 10 दिन के बाद में खुलवा सकते हैं। PCNL ऑपरेशन के बाद में हम स्टैंड भी एक देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को पेशाब में जलन हो सकता है, बार बार में पेशाब जाना पड़ सकता है, पेशाब कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होती है, और किसी किसी पेशेंट को पेशाब एकदम कंट्रोल ही नहीं कर पाते इस डिजेस्टन की वजह से, और कभी कभी पेशेंट को पेशाब के साथ में ब्लड भी आ सकता है। थोड़ा बहुत ब्लड आता है तो आपको चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा जलन हो रही है, पेशाब कंट्रोल भी एकदम नहीं हो रहा है, आपके पेशाब में बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा है, या फिर आपको फीवर आ गया है, बुखार हो गया है, तो आपके जो यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर है जिन्होंने आपका ऑपरेशन किया है, इमीडिएटली उसके साथ में कॉन्टेक्ट करें। उसके लिए आपको एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है और कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत पड़ सकती है। ऑपरेशन करने के बाद में जब आप घर पे जाते हैं, जैसा मैंने बताया, आपको सावधानी बरतनी है, भारी वजन नहीं उठाना है, साइकिल नहीं चलानी है, हैवी जर्किंग का काम नहीं करना है, बहुत देर तक खड़े नहीं रहना है, ये सब एक्टिविटीज आपकी 1 से 12 सप्ताह में ठीक हो जाती है। यूजुअली हमने देखा है ये डिजेस्टन जब हम निकाल देते हैं तब आपको ये सब चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब आप अपने डॉक्टर को दोबारा दिखाने के लिए जाएं तो डॉक्टर से डिस्चार्ज के समय ये जरूर जान लें कि आपको डबल जे स्टेंट दिया है कि नहीं दिया है। अगर दिया है तो आपको 14 दिन या 1 महीने के बाद में आपको अपने डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करना है, संपर्क करना है, और उसके जाने के पहले आपको एक एक्सरे क्यों भी कराना चाहिए कि आपका डिजेस्टन एकदम ठीक है, कोई स्टोन का फ्रेगमेंट तो आपके अंदर नहीं रह गया है, साथ में यूरिन कल्चर का रिपोर्ट करके ही अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगर किसी तरह का इन्फेक्शन है या किसी तरह का कोई स्टोन है तो डॉक्टर सबका प्रिकॉशन लेके आपका डिजेस्टन निकालने की डेट फिक्स कर सकते हैं, लेकिन इस डिजेस्टन को आपको जरूर से जरूर 12 सप्ताह के अंदर निकलवा लेना चाहिए, नहीं तो इसके ऊपर स्टोन होने की संभावना रहती है और पेशाब के इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। तो आपने डॉक्टर से जरूर पूछ ले कि आपको डिजेस्टन दिया है कि नहीं दिया है, दिया है तो कब आपको जाके मिलना है, लेकिन जब डॉक्टर के पास आप जाएं तो एक एक्सरे की भी और यूरिन कल्चर करा के जाएं। तो फ्रेंड्स, आज हमने PCNL के बारे में बात किया है कि PCNL ऑपरेशन के बाद में कब आपको डिस्चार्ज होते हैं, क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है, क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, कब आपको डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करना चाहिए। फिर भी आपके कुछ क्वेश्चन है तो मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिसका मैं जवाब देने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। नमस्कार।